नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए और वापस आकर मेरी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर किसी भी इंसान को या फिर आपको, आपकी फैमिली में किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, शरीर के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यानी कि धमनियों में ब्लॉकेज आ रही है और वे धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, अगर किसी को हड्डियाँ जो हैं वो खोखली हो रही हैं, यानी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ रही हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, दोस्तों उन सब के लिए ये साधारण सी चीज़ मैं आज अपने साथ लेके आई हूँ। इसका अकेली का सेवन करने से एक स्टडी से ये चीज़ सामने आई है, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, जिनको हाई बीपी की समस्या है, नॉर्मल हो जाती है, ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स करता है। अगर कोई इंसान इसे एक डिटॉक्स ड्रिंक के तौर पर या फिर एक डिटॉक्स चीज़ के तौर पर लेना चाहता है, वो भी इसका सेवन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप इसका सेवन गर्मियों में बहुत आराम से कर सकते हैं, जैसे अब गर्मियां चल रही हैं, क्योंकि ये हमारे हाथों पैरों की जलन को दूर करता है और एसिडिटी को दूर करता है। तो चलिए जान लेते हैं ये साधारण सी चीज़ कौन सी है और इसका सेवन आपने कैसे करना है। दोस्तों, ये साधारण सी चीज़ है दोस्तों, ये है धनिया। धनिया के बीज ध्यान रखिएगा, जो मार्केट में धनिया का पाउडर आता है ना, आपने वो नहीं लेना, आपने इस तरीके से धनिया के बीज ही लेने हैं। और आपने किसी भी एक कटोरी ले लीजिए, पानी लेना है, मैंने नॉर्मल पानी लिया है, और उसके अंदर आपने एक चम्मच के करीब करीबन थे एक चम्मच के करीब, जैसे मैंने एक चम्मच ये ले लिया, और इस पानी के अंदर आपने धनिया डाल देना है। इस तरीके से आपने इसको रात को रख देना है ढककर, सुबह से हल्का सा गर्म कर लीजिए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और सुबह खाली पेट इसका सेवन कर लीजिए। दोस्तों, एक स्टडी से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जिनकी भी शरीर के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उनके लिए इस तरीके से धनिए का पानी बनाकर अगर सेवन करते हैं तो बुरा कोलेस्ट्रॉल बॉडी से बाहर हो जाता है, दूसरी तरफ ये हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है। दोस्तों, अगर किसी का बीपी हाई रहता है या फिर किसी भी इंसान की इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो जाती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन शरीर में फैल जाता है, आंतों में इन्फेक्शन फैल जाता है, या फिर किसी इंसान का डाइजेस्ट सिस्टम अच्छे से काम नहीं करता, दोस्तों इस धनिए के बीजों के अंदर कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये चार चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अंदर पाया जाने वाला पोटेशियम हमारे हार्ट को हेल्दी और तंदुरुस्त रखने का काम करता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूती देता है, मैग्नीशियम हमारी बॉडी के मसल्स को मजबूती देता है, बॉडी में पेन नहीं होने देता, और आयरन हमारी बॉडी में खून की कमी नहीं होने देगा, एनीमिया की समस्या नहीं होने देगा। दोस्तों, एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, धनिया का पानी अगर आप रोजाना सेवन करते हैं, अगर किसी इंसान को डायबिटीज यानी कि मधुमेह की समस्या है, तो ये शरीर के अंदर खाए हुए खाने में से जितनी भी शुगर होगी वो बॉडी में से बाहर करने का काम करेगा। पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अब चीनी खाना शुरू कर दे, हमारा मकसद है कि साधारण सी चीज के द्वारा हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। रोजाना सिर्फ आपने धनिए का पानी पीना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेथी का पानी गर्मियों में नहीं पी पाते, उनको एसिड बनता है या गर्मी ज्यादा लगती है, तो उनको धनिए का पानी पीना चाहिए। दोस्तों, इस धनिए के पानी के बहुत सारे फायदे और हैं। अगर आपकी आंखों की रोशनी दिनों दिन कमजोर पड़ती जा रही है, या फिर बच्चे हैं उनकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ती जा रही है, तो बच्चों को आप ये जरूर दें। दोस्तों, अगर बच्चों की हड्डियां कमजोर हैं, खोखली हो रही हैं, थोड़ा सा टकराने पर वो दर्द करती हैं, या फिर बच्चे ज्यादातर आपको ये कहते रहते हैं कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, तो उनको इस तरीके से धनिए का पानी पिलाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी के भी इंसान के पेट में एसिडिटी यानी जलन बहुत ज्यादा होती है, सीने में जलन होती है, गले की तरफ आती है, ये सारी समस्याएं अगर किसी इंसान को फेस करनी पड़ती हैं, तो पहले तो ये पेट और सीने की एसिडिटी होती है, अगर इसका इलाज सही तरीके से और सही टाइम पर यानी शुरुआत में ना किया जाए, तो ये धीरे धीरे बढ़कर हाई ब्लड प्रेशर का रूप ले लेती है, क्योंकि बॉडी के अंदर पित्त बढ़ने के कारण ही बीपी की समस्या होती है, हमारा खून जो है वो गंदा और गाढ़ा हो जाता है पित्त बढ़ने के कारण, जिसके कारण हाई बीपी हो जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल धनिया का पानी आपने लेना है, सुबह आपने इसका सेवन कर लेना है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घमोरिया यानी कि पित्त बहुत निकलती है, फेस पर पिंपल बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी आप अपने खून को साफ करने के लिए और खून को बढ़ाने के लिए, तो आपने रोजाना धनिया के बीज होते हैं ना, इसी तरीके से उनका पानी बनाना है। ध्यान रखिएगा, आपने धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, अगर किसी इंसान की हड्डियां दर्द करती हैं, हड्डियां कमजोर हैं, थोड़ा सा टकराने पर टूट जाती है, आपने अपनी
हड्डियों को चेक करवाया है तो आपको आया है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, तो आज से ही दोस्तों आपने इसका सेवन करना शुरू कर देना है। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं कि एक मुद्रा आपको बता देती हूं, बॉडी के पूरे सर्कल को बैलेंस करेगी, इसके अलावा आपकी आवरण को बढ़ा देगी। दोस्तों इस मुद्रा को, वैसे अलग अलग मुद्रा हर एक एक चीज के लिए बेनिफिशियल होती है, लेकिन मैं आपको सभी रोगों के लिए एक ही मुद्रा बता रही हूँ। इंडेक्स फिंगर को आपने थंब की जड़ में लगाना है इस तरीके से, और इन दोनों फिंगर्स को आपने थंब के साथ जोड़ देना है और लिटिल फिंगर ऐसे ही रहेगी सीधी। समझ चुके हैं आप, ये दोनों फिंगर्स थंब की टिप्स को टच कर रही हैं और जो इंडेक्स फिंगर है वो इसकी जड़ में लगी हुई है। इस तरीके से अगर मुद्रा की जाए, आपने ये मुद्रा दोनों हाथों में करनी है, इस तरीके से की जाए तो ये हमारी बॉडी में बैलेंस लाने का काम करती है, बीमारियों को कोसों दूर रखने का काम करती है। कितनी देर करनी है इस मुद्रा को, तो दिन में आप 3 बार 5-5 मिनट के लिए या 10-10 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। अगर आपके कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।